नमस्कार दोस्तों, यदि आपको जीरो बैलेंस खाता की तलाश है तो आप केनरा बैंक में बहुत ही आसानी से घर बैठे एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। हाँ गाइज, केनरा बैंक आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देती है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया मुझे बताइए कि केनरा बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन किस प्रकार से ओपन करेंगे। तो सिंपली गाइज, इस वीडियो में मैं उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अगर आप ऑनलाइन इस अकाउंट को नहीं ओपन करते हैं तो आप जो है ऑफलाइन ही किस प्रकार से ओपन करेंगे। सिंपली गाइज, आप जो है जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पूरी कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट ओपन कीजिएगा, यहाँ पे आपकी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और गाइज अकाउंट इंस्टेंट ओपन करने के बाद आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है। साथ में गाइज आप अपनी केनरा बैंक के साथ मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और गाइज यूपीआई की जितनी सारी ऐप है जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप इन सारी ऐपों का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आज के इस वीडियो में पूरी आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विशाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। दोस्तों केनरा बैंक में आप ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे कि नहीं ओपन कर पाएंगे, गाइज ये चीज जानने के लिए हम आ गए हैं केनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों केनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। सिंपली गाइज आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है केनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और वहां पे सर्च करेंगे आप canarabank.com। सिंपली गाइज सर्च करके और आप जो है केनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। गाइज यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको एक चीज जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जो अकाउंट है यहाँ पे सेविंग अकाउंट है। दोस्तों आपके मन में बातें चल रही होगी कि मैंने जीरो बैलेंस अकाउंट बोला है, तो गाइज यहाँ पे केनरा बैंक जो है सेविंग अकाउंट होने के बावजूद भी यहाँ पे आपसे एक भी रुपए चार्ज नहीं कटती है। यानी कि गाइज आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करें या ना करें, यहाँ पे केनरा बैंक आपसे एक भी रुपया चार्जेस नहीं काटती है। हाँ गाइज, किसी किसी के ऊपर केनरा बैंक की आंखें जो है लग जाती है तो उनसे यहाँ पे केनरा बैंक जो है काफी भारी मात्रा में चार्जेस काटती है, तो गाइज उनका जवाब मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन बेसिकली गाइज ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। चलिए गाइज यहाँ पे हम आ गए हैं पर्सनल बैंकिंग के अंदर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेविंग डिपॉजिट का। सिंपली गाइज आपको जो है इस सेविंग डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं केनरा बैंक की जितनी सारी सर्विसेज है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। गाइज हम बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही सेविंग बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होती है। सिंपली गाइज केनरा बैंक अपने सेविंग अकाउंट के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। गाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पे पूरा रीडिंग करके आप जो है केनरा बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सिंपली गाइज यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी इस अकाउंट के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी से हैं तो यहाँ पे आपको जो है मंथली बैलेंस आपको जो है 1000 रुपये रखनी है। अगर गाइज आप जो है गांव साइड से है, यानी पूरी तरह से आपकी जो ब्रांचेज है ये पूरी तरह से गांव साइड में है, तो यहाँ पे आप जो है 500 रुपया ही अपने अकाउंट में रखेंगे तो भी फिर कोई बात नहीं है। अब सिंपली गाइज हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं केनरा बैंक में जो है सेविंग अकाउंट के अंदर कहीं भी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का फैसिलिटी नहीं मिल देता है। गाइज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि केनरा बैंक में जो है आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। बेसिकली गाइज आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप केनरा बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या गाइज आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो छोड़ के आप मत जाइएगा, यहाँ पे गाइज ये सारी चीजें जानने से पहले आपको एक कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए बोल के ये वीडियो बनाया है। गाइज ये चीजें आपको गलत लग रही होगी, लेकिन सिंपली गाइज यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे YouTube पे आपको काफी सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जा रहा होगा जिसमें बताया जा रहा होगा कि आप जो है केनरा बैंक में ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव अकाउंट ओपन करके भी दिखाया जा रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे केनरा बैंक के एक ऐसा ऐप था केनरा दिया, जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट को जो है ऑनलाइन ओपन कर सकते थे, लेकिन गाइज केनरा बैंक ने 1 साल पहले उस ऐप को जो है हटा दिया है। तो सिंपली गाइज जो है केनरा दिया के माध्यम से ही वहां पे आपको जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया जाता था।
दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि पुराने क्लिप को भी यहाँ पे अपलोड करके जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी बता देते हैं। दोस्तों मैं भी चाहता तो यहाँ पे पुराने वीडियो जो है मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं उसे अपलोड करके आपको बता देता, लेकिन सिंपली गाइस यहाँ पे मैंने आपको ये सोचा कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं केनरा बैंक में, जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिंपली गाइस आपके मन में ये चीजें पैनिक ना करें कि यहाँ पे केनरा बैंक जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपन की फैसिलिटी अभी दे रही है कि नहीं दे रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया आपको अच्छा लगा होगा। अब चलिए गाइस हम जान लेते हैं कि केनरा बैंक में जो शॉर्टकट ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की बातें जो मैंने कहा था, वे सिंपली गाइस यहाँ पे कौन सी स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, और गाइस इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने समय को बचा सकते हैं। सिंपली गाइस आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन कीजिएगा और आप सर्च कीजिएगा केनरा बैंक सेविंग अकाउंट फॉर्म, और आप जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर वेबसाइट पे ही मिल जा रहा है डाउनलोड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हेयर केनरा बैंक। सिंपली गाइज आपको जो है इसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे केनरा बैंक के जो भी फॉर्म होगी अकाउंट ओपनिंग की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। सिंपली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा और भी यहाँ पे भाषा में मिल जाएगा। सिंपली गाइज मेरे केस में मैं यहाँ पे इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आपकी फॉर्म जो है पूरी कंप्लीट यहाँ पे केनरा बैंक की इंग्लिश में ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं केनरा बैंक की जो अकाउंट ओपनिंग की फॉर्म है यहाँ पे पूरी कंप्लीट ओपन हो जाएगी। आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। सिंपली गाइज उस लिंक के माध्यम से आप जो है इस फॉर्म को कम्प्लीट डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद सिंपली गाइज आप जो है इस फॉर्म को कंप्लीट तरीके से यहाँ पे पूरा फिल करेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दो तरीके बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो सिंपली गाइज आप जो है बैंक के ईमेल आईडी पे इस फॉर्म को जो है कंप्लीट फिल करके और यहाँ पे आधार कार्ड की जीरोक्स और पैन कार्ड की जीरोक्स और दोस्तों यहाँ पे कलरफुल फोटो आप जो है बैंक के ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे, और ईमेल आईडी पे सेंड करने के बाद केनरा बैंक के मैनेजर से या फिर अगर आपको जो है बैंक में कोई कॉन्टेक्ट है तो आप जो है उनसे बोल सकते हैं कि मैंने जो है अपनी अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगता है वे आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया हूं। और गाइज आपको बोलना है कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसको आगे की प्रोसेस कर देने के लिए। सिंपली गाइज अगर वे आगे की प्रोसेस कर देते हैं तो यहाँ पे आपको मात्र एक बार ब्रांच जाना होगा केवल आपको अपने अकाउंट की केवाईसी कराने के लिए। आप अपने अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी कराएंगे, उसके बाद आप अपना फिंगरप्रिंट देंगे। दोस्तों 5 मिनट के अंदर आपकी अकाउंट को जो है कंप्लीटली ओपन कर दी जाएगी और इंस्टेंट आपको जो है डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक जो भी इस अकाउंट के अंदर फैसिलिटी होगी वे सारी बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगी। और सिंपली दोस्तों मैं दूसरी प्रोसेस आपको बता दूं, यहाँ पे गाइज आपको जो है इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करना है और यहाँ पे इस फॉर्म की जो है प्रिंट आउट निकालवाना होगा, और उसके बाद से गाइज इसके साथ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी और यहाँ पे आपको एक कलरफुल फोटो लेकर के ब्रांच जाना होगा और वहां पे आपको अपने इस अकाउंट को ओपन करना होगा। दोस्तों मैं इसका एक बहुत ही सटीक बेनिफिट बताता हूँ। गाइज यहाँ पे आपको ब्रांच जाकर के फॉर्म लेना होगा और उसके बाद से यहाँ पे एक बड़ी लंबी लाइन में लग करके आपको अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे आपकी अकाउंट को ओपन की जाएगी। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर ईमेल आईडी के माध्यम से अगर आप जो है अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं और गाइज ये बैंक के एम्प्लॉई जो है वे आपकी फॉर्म को जो है आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे बेसिकली 5 मिनट के अंदर आपकी अकाउंट को जो है इंस्टेंट ओपन कर दी जाएगी। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। दोस्तों केनरा बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए सिंपली गाइज आपको जो है यही प्रोसेस से होकर के गुजरना होगा, तब भी आपको एक केनरा बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर दी जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और उसपे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। हाँ गाइज अगर आपको केनरा बैंक में अकाउंट ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूं।